हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो जी, वी होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं शिमला की तरफ। शिमला में थोड़ा हम लोगों को आज काम है, तो अभी हम लोग कितना टाइम हो गया अंकि? 11 बजे। Sorry. God bless you. तो 11 बज गया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं, जरा काफी टाइम बाद हम लोग शिमला जा रहे हैं। इस तरह से आजकल शिमला का मौसम है और बहुत सारे लोग कल लाइव में भी पूछ रहे थे कि मैम गर्मी ठंड मौसम कैसे आजकल शिमला में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। एंड वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमारे साथ देखिए कौन है। नचा हाय बोलो। हाय। तो नाइशा काफी ज्यादा एक्साइटेड है घूमने जाने के लिए। भैया आ गए हैं जिन्होंने हमसे 10 मिनट का वेट करवाया। देखिए जी, इस वक्त हम जा रहे हैं उस जंगल से जिसकी मैंने आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, तो बिल्कुल वो इसी रास्ते पर वो घटना घटी है। तो प्लीज आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये। इस वक्त दिन के वक्त भी देखिए, रात का एहसास, एक भूतिया एहसास, एक डरावना सच। बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज का सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं। और उससे पहले आप इस जंगल को जंगल महसूस कीजिए। दोस्तों, आजकल शिमला में ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है क्योंकि टूरिस्ट काफी आजकल शिमला आ रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी काम के लिए जाना है तो 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा लेकर चलिए। हाँ, तो इधर दोबारा से ट्रैफिक जैम हो गया है। देखिए, जब भी कभी एम्बुलेंस मिले तो प्लीज इन्हें रास्ता जरूर दीजिए और प्रे करिए, प्लीज दुआ कीजिए कि जो इसमें हो प्लीज स्वस्थ रहें और ठीक रहें। आपकी थोड़ी सी समझदारी किसी की जान बचा सकती है ना। बोली चलिए जॉनी जॉनी और और आजे बाबिया चीनी खाई ना बाबिया ना बाबिया झूठो लाओ ना बाबिया मुंह खोलो अबे लास्ट में करना फिर ऐसे करके ठीक। तो गाइस, शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया। नाइशा का तो चलो हो ही गया था गुजारा, इसको तो मैंने खिला ही दिया था बनानास वगैरह बिस्किट वगैरह। बट हम लोग काफ़ी टाइम से भूखे हैं। अंकित के साथ यही होता है, जब अंकित के साथ आते हैं तो वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमेशा हम लोग लंच वगैरह करने के लिए, खाना खाने के लिए लेट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा आगे क्या मिलता है खाने के लिए। और मुझे तो गोलगप्पा खाने का इतना मन हो रहा है ना, अभी लग रहा है कि मैं 50 गोलगप्पे खा जाऊंगी। बाकी देखते हैं जरा कुछ मिलता है या फिर ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है आज। सो गाइस, मॉनसून आने वाला है यानी कि बरसात शुरू होने वाली शिमला में। और ये देखिए मक्कियों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है, यानी कि भुट्टा। एंड ये पीछे वाली पार्टी भी मजा ले रहे अभी मक्की का। और मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉर्न खाना, भुना हुआ कॉर्न। एंड ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर तो हमने अभी 30 रुपीज़ का लिया ये एक, बट घर में तो आपको पता है कि हमारे अपने हो जाते हैं, फ्री में मस्त भून के खाते हैं हम लोग। सुबह शिमला में जो मौसम है वो काफ़ी घनघोर हो चुका है, बारिश आने की पूरी संभावना है यहाँ पर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम शिमला में। आज हम लोग लेट हो गए थे घर जाने के लिए, तो अब रात के 10 बजे हम ठंडा होने वाले खाने वाले। खा लो इसको, मैं बोल रहा हूँ भगवान के साथ से। भैया खा लो इसको, देखिए मुंह में पानी तो आ ही गया भैया के, भैया खाना ही पड़ेगा। बाकी आप लोगों के लिए सारा, ये नायशा के लिए जा रहा है अभी। नायशा इधर आ बेटा। नायशा तो ऑलरेडी इमली विमली पता नहीं क्या खा रही। हैप्पी बर्थडे नायशा। नायशा तो मेरा हैप्पी है, हैप्पी बर्थडे। दो हां दे दो। हां देखो तो कैसी टेस्टी है। लो टेस्ट करो जल्दी से। चीज किंग, पनीर किंग है ये। खाना
तो नायशा को, नायशा की हम लोग फोटो लेने वाले हैं याक के साथ, क्योंकि कब से लेके ये बोल रही थी मम्मा माँ माँ जाना है माँ, इसको लग रहा है कि ये गाय है जो घर में हमारे होती है, माँ पे माँ के पास जाना है, माँ के पास। अरे मम्मा टच करो, मारे का तो नहीं मेरे साथ, टच कर लो, टच कर। अरे वाह कितना प्यारा है नायशा। नायशा ये याक है, याक याक क्या ये नशे क्या है ये? हाँ, याक, ओके ये याक है, दोनों दोनों याक है। लो सर बिठा दो, आप बिठाओगे खुद ही? अच्छा मैं बैठा दूँ। आ जाओ नायशा, आ जाओ हम तीस। पहले जय कर लो, नमस्ते कर लो पहले याक को। पहले याक को नमस्ते कर दो। मैटी जी अब नायशा बच्चा बैठने वाला। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह नायजी, ये देखिए जी नायशा याक की सवारी करती हुई और काफी खुश है नायशा। अच्छा अच्छा। सो गाइस ये जो आपको हिल स्टेशन दिख रहा है ये कुफरी है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है, बट अभी सुबह का टाइम है तो अभी यहाँ पर उतने ज़्यादा कुछ टूरिस्ट नहीं है। बहुत ही अच्छी जगह है, टेम्परेचर वाइज ठंडी 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 सी हवाएं यहाँ पर चल रही होती है, आजकल गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में देखिए यहाँ पर आपको याक की सवारी भी करने को मिल जाएगी। नायशा सोच रही है कि कैंडी खाते हैं, याक इनको बोल रही है ये ले ले, दूजा तू भी ले ले। नायशा को ना एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आप डॉगीज ले लो, कैट्स ले लो, घर में काओ ले लो, अभी यहाँ पे याक, इसको सारे के सारे एनिमल्स बहुत पसंद है, ये बहुत खुश होती है एनिमल्स के साथ। वहाँ देखो हॉर्सेस भी जा रहे हैं, कितने सारे हॉर्स जी बाबा, वहाँ देखो चले गए चले गए। क्या बाबा नो जी शॉप करो। और नायशा अभी तक रो रही थी, शॉप में गए वहाँ पे इसको वो डमीज दिखे, वो चाहिए डमी चाहिए, तो गाड़ी में रोना स्टार्ट करी, अंकित इसके लिए ये लेके आए एक बड़ा सा जीता जागता डमी। खोल रहे खोल रहे, कोको कोको करिए कि खोलो खोलो, खोल रहे बाबा, खोल दिया खोल दिया। अरे वाह खोल दिया खोल दिया। अरे वाह अरे वाह, हैप्पी नायशा हैप्पी। सो गाइस दैट्स ऑल, एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने अपने चैलेंज वाले चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड कर दी है, ट्राई नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश चैलेंज, तो बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो बनी है, हम लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी है अपनी पूरी की पूरी वीडियो में, तो जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सच बोले आंखें कैसे उनकी इतनी तरह आंखें, इसके दिखाओ तो कितना क्यूट है बाबा, दिखाओ तो अपने काका को। Good. Good.